दोस्तों अगर आप भी स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट या कोई वस्तु या कोई सामान आपको स्पीड पोस्ट करना है तो कैसे आप स्पीड पोस्ट करेंगे, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मेरे हाथ में जो आप लोग पेपर देख रहे हैं इसको स्पीड पोस्ट करना है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट करना है। तो किसको पोस्ट करना है, तो एक कंपनी है जिसको स्पीड पोस्ट मुझे करना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ये डॉक्यूमेंट है, इसको स्पीड पोस्ट करना है क्योंकि हाल ही में एक व्यक्ति का डेथ हो गया है और मेरे अंकल CSP चलाते हैं, तो हमको दिए हैं कि कृपया ले जाकर आप इसको स्पीड पोस्ट कराइए इस एड्रेस पर। तो चलिए इसको पहले मैं बताऊँगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको स्पीड पोस्ट करना है तो उसको फोल्ड कैसे करते हैं, यानी कि उसको मोड़ते कैसे। तो आप लोग देख कुछ इस प्रकार से मैं मोड़ रहा हूं, यानी कि मैं पहुंच गया हूं स्पीड पोस्ट करने के लिए। तो वहां पे मैं इसको अपने बाइक पे रख के आसानी से मोड़ लेता हूं। मोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से लिफाफा में हम डालेंगे, यानी कि आपको इनवॉल्व कहां से मिलेगा, तो बगल में कोई दुकान होगा वहां से आप जाकर इनवॉल्व एक ले लेंगे, 2-4-5-10 रुपया में मिल जाएगा और उसमें कुछ इस प्रकार से आपको पैक कर देना है। अब हम लोग को लिफाफे के ऊपर कुछ इस प्रकार से एड्रेस को मेंशन करना है, फॉर्म लिखना है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी डिटेल्स में दे देना है कि आप किस जगह से भेज रहे हैं, उसके बाद ऊपर लिखना है टू, उसके बाद उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे देना है कि किस व्यक्ति को या किस पर्सन को या किस कंपनी को आप भेज रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आपको डिटेल्स में दे देना है ताकि सही जगह पर आप जो स्पीड पोस्ट करेंगे वह सही जगह पर पहुँचेगा, नहीं तो रिटर्न होकर आपको मिल जाएगा। तो सही जानकारी आपको फिल करना है, उसके बाद इसको अपने काउंटर पर जब करेंगे स्पीड पोस्ट करने के लिए तो वहां से आपको एक रिसीविंग मिलेगा। रिसीविंग कुछ इस प्रकार का होता है, इस पर संपूर्ण जानकारी दिया जाता है कि कहां से भेजा जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है और कहां भेजा रहा है, संपूर्ण जानकारी इस रिसीविंग पे मिल जाएगा। तो रिसीविंग को आपको लेकर अपने घर पर चलाना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।